तो देखिए गाइस, ये है क्लिपिंग वाला हेयर पैच। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, क्लिपिंग किस तरह से खुलेगा मैं आज आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से क्लिप खुलेगा ये, ठीक है। इस तरह से क्लिप खुल गया ये आपका। अब इसे लगा के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लगेगा ये। आप पीछे आ जाइए ज़रा, इसको फ्रंट से इस तरीके से पकड़ना है ये आपको। एक अंगूठा इधर और एक इधर, और फिर जैसे कि आप ये क्लिप देख रहे होंगे, आपको ये बालों के अंदर फंसाना है आगे की तरफ। अगर आगे आपके बाल हैं तो बालों में फंसा लीजिए, और नहीं है तो यहाँ पे टेप लगा लेना, ठीक है सर। इस तरीके से ये आपको लगाना है। देखिए, आइए एक बार पीछे, क्लियर है। ये देखिए, लगाना हटाना बहुत ही इजी तरीके से है इसमें। ये देखिए इस तरीके से। अब ये क्लिप वाला आपका पैच लग गया, और जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि अभी बाल थोड़े से ऊपर है, उठे हुए हैं, सेट नहीं है बाल हमारे। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले पानी का हेयर स्प्रे लगाएंगे। आप आगे आ जाइए आगे से। तो इसमें हम क्या करेंगे, पानी का स्प्रे लेंगे और इसको स्प्रे कर लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद से हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मांग बनाएंगे। सबसे पहले क्या है दोस्तों, ऐसा हमें चौड़ा कॉम्ब ले लेना है। चौड़ा कॉम्ब लेने के बाद में हमें तभी इसमें स्टाइल अच्छा हमारा अच्छा बनेगा, और हमारे बाल नहीं टूटेंगे बिल्कुल भी। ये देखिए, चौड़े दांतों वाला कॉम होता है, और इजी तरीके से लाइनिंग निकल जाती है आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब ये देखिए, जैसे कि इसमें लाइनिंग निकल चुकी है ना, तो इसको यहीं से ऐसे करेंगे और ये कॉम इस तरह से कर लेंगे आप, ठीक है। और वीडियो को इसे हमारे दूसरों को शेयर भी करना, कि भाई जो लोग कहते हैं ना कि गिर जाता है पैच बहुत आराम से, नहीं लगता कोई इन्फेक्शन होता है, तो उन तक ज़रूर शेयर होनी चाहिए वीडियो दोस्तों। ये आज इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत भी ना हो। अब ये देखिए, इजी तरीके से ये इसमें लग गया ये, और लगाने हटाने में कोई टाइम भी नहीं लगता इसमें। अभी मैं आपको हटा के भी दिखाने वाला हूँ कि कितना टाइम इसको लगाने में लगा है, और ये आप देखना कि आप अब इसको हटाने में कितना टाइम लगेगा। एक मिनट आप पीछे आ जाइए, फिर आप, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, पीछे से इस तरह से आपको जाना है ऐसे, और ऐसे क्लिप पकड़ना है ये, और ऐसे कर देना है ये, ठीक है। और फिर ऐसे दोनों हाथों से फिर इधर का क्लिप खोल लेना है ये आपको, ऐसे करके फिर इस तरीके से, और फिर ये आगे से। ये देखना, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, और पीछे से पकड़ के से आराम से इस तरीके से आप लोग इसको निकाल लेंगे, जैसे हेयर पैच क्लिपिंग वाला है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने वाला आपको। तो बहुत ही इजी तरीके से ये लग जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी लगा के बताया और हटा के दिखाया, और इसमें मांग भी आपको करनी सिखाई मैंने। तो ऐसे ही आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हटाने और लगाने में दोस्तों कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप चाहते हो यहाँ हमारे सेंटर आ सकते हो, दिल्ली भजनपुरा में पेट्रोल पंप के सामने है हमारा। ये मेट्रो का जो पिलर है 86 नंबर है, इसका ध्यान रखना आप। 86 नंबर के आप ऊपर देखोगे तो हमारा बोर्ड दिखेगा आपको, नाइस हेयर विक। मंगलवार में ना आए, क्योंकि मंगलवार में छुट्टी होती है दोस्तों हमारी। नंबर मैं मैसेज बॉक्स में दे दूंगा आपको, आप इसमें यहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दे दूंगा, केवल हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आपको नंबर मिलेगा हमारा, ठीक है दोस्तों। तो आप एक बार सेवा का मौका बिल्कुल दें सर हमें, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।